हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में केमिस्ट्री ऑफ ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स एक नया यूनिट स्टार्ट करेंगे। इसके अंतर्गत डी ब्लॉक्स एलिमेंट्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। आगे आने वाले वीडियोस में एक एक करके हम सभी एलिमेंट्स के बेसिक प्रॉपर्टीज के बारे में समझेंगे, जो बीएससी थ्योरी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ डी ब्लॉक्स एलिमेंट्स क्या होते हैं, इनके प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों कहा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सभी टॉपिक्स जो इंपॉर्टेंट है बीएससी एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, उसको हम आगे आने वाले वीडियोस में एक एक करके डिटेल में डिस्कस करेंगे। कंप्लीट हैंडरिटन नोट्स आपको प्रोवाइड करूंगा, जो डेफिनेटली आपके एग्जाम प्रिपरेशन के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। ये यूनिट, ये कॉन्सेप्ट एमएससी लेवल के एग्जाम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं, सबसे पहले हम पीरियोडिक टेबल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम इसका थ्योरी पोर्शन डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बारे में समझेंगे, साथ ही साथ डी ब्लॉक एलिमेंट्स के सीरीज के बारे में डिस्कस करेंगे। सो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आपको पता होगा, पीरियोडिक टेबल को जो है टोटल 18 ग्रुप्स हैं एंड 7 पीरियड्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये टोटल जो है 18 ग्रुप्स में इस प्रकार डिवाइड किया गया है। इसको जो है ग्रुप्स कहा जाता है एंड इसको जो है पीरियड्स कहा जाता है। ठीक है, आवर्त, जो 7 आवर्त होते हैं। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जो पहला और दूसरे ग्रुप्स के जो एलिमेंट्स होते हैं इनको एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहा जाता है एंड इधर जो हमारे 13 से लेकर 18 तक के ग्रुप्स के जो एलिमेंट्स होते हैं इनको पी ब्लॉक्स के एलिमेंट्स कहा जाता है। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एस ब्लॉक और पी ब्लॉक्स एलिमेंट्स के बीच में जो एलिमेंट्स होते हैं, ग्रुप 3 से लेकर 12 तक के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, उनको ही डी ब्लॉक एलिमेंट्स या ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है। ठीक है, बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है डी ब्लॉक एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल में एस ब्लॉक और पी ब्लॉक जो एलिमेंट्स हैं उनके बीच में पाए जाते हैं। ठीक है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स को ही ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है। इसके जो है 4 सीरीज हैं, बेसिकली ये 3D 4D 5D 6D सीरीज इनको कहा जाता है। आगे हम वीडियोस में इसको समझेंगे। तो यहाँ पे बेसिक आपको समझना है कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स, इसको ही ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है। जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 3 से लेकर 12 तक के जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, एस एंड पी ब्लॉक्स एलिमेंट्स के बीच के जो एलिमेंट्स हैं उनको डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहा जाता है। ये 4, 5, 6, 7 जो है पीरियड्स हैं, इनके अंतर्गत ये एलिमेंट्स आते हैं। ठीक है, यहाँ पे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स भी आप देख सकते हैं, लेंथेनाइट्स एंड एक्टिनाइट्स जो है ये ग्रुप्स हैं। बेसिकली ये लेंथेनम एंड एक्टिनम के बाद जो एलिमेंट्स हैं इनको लेंथेनाइट एक्टिनाइट्स ग्रुप्स में जो है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के रूप में रखा गया है। ठीक है, तो ये बेसिक आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में इतना पता होना चाहिए कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहां पे है। ठीक है, जो आई होप कि आपको पता भी होगा। ठीक है, बहुत बेसिक है ये कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स किसे कहा जाता है। अब हम इसका थ्योरी पोर्शन देखते हैं कि एलिमेंट्स ऑफ डी ब्लॉक, अगर आपको एग्जाम में पूछा जाता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या है, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स क्या है, तो आपको बेसिक डेफिनेशन एंड बेसिक कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए। सो इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर फाउंड बिटवीन एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स एंड द एलिमेंट्स ऑफ डी ब्लॉक आर कलेक्टिवली कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, एस ब्लॉक पी ब्लॉक्स के बीच में जो एलिमेंट्स होते हैं उनको डी ब्लॉक एलिमेंट्स जाता है, इनको कलेक्टिवली जो है ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है। द एलिमेंट्स ऑफ डी ब्लॉक आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स बिकॉज देयर प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशनल बिटवीन द एस ब्लॉक मेटल्स एंड द पी ब्लॉक एलिमेंट्स दैट फॉर्म मोस्ट ऑफ द कोवलेंट कंपाउंड। ठीक है, अब इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों कहा जाता है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनका जो प्रॉपर्टीज होता है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स के जो प्रॉपर्टीज होते हैं वो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक एलिमेंट्स के जो है ट्रांजिशनल होते हैं। ठीक है, एस ब्लॉक जो है वो एस ब्लॉक जो अतिक्रियाशील एस ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं एंड कोवलेंट बॉन्ड बनाने वाले जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, इन दोनों के प्रॉपर्टीज का जो है ट्रांजिशन होता है, ये ट्रांजिशनल होता है हमारा डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, दोनों के प्रॉपर्टीज के संक्रामी होते हैं, इसीलिए डी ब्लॉक एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहा जाता है। द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ वैलेंस शेल इज N-1d, जो डी हमारा ऑर्बिटल होगा उसमें 1 से 10 इलेक्ट्रॉन भरेंगे एंड NS1r2। ठीक है, तो ये जो है बेसिक आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनके वैलेंस सेल का। ठीक है, जो लास्ट सेल होगा उसमें जो है हमारा जो डी ऑर्बिटल होगा उसमें 1 से 10 तक जो है इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे एंड एनएस जो है यहाँ पे एस में 1 या 2 होगा। ठीक है, यहाँ पे एन क्या है, हमारा आउटर मोस्ट सेल है। ठीक है, आउटर मोस्ट सेल है, एन है ना, तो ये हो गया इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो आपको याद रखना होगा। सो डी ब्लॉक एलिमेंट्स मे बी डिफाइन एज, इसका बेसिक डेफिनेशन क्या होगा, दोज एलिमेंट्स विच हैव पार्सली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स इन देयर एलिमेंट्री फॉर्म आर इन देयर कॉमनली अकरिंग
ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल सा डेफिनेशन आपको याद रखना होगा। डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं? दोज एलिमेंट्स विच हैव पार्सली फिल्ड, ठीक है, पार्सली फिल्ड डी ऑर्बिटल होंगे, कंप्लीटली फिल्ड नहीं होंगे, ठीक है, पूर्ण रूप से भरे नहीं होंगे डी ऑर्बिटल, ठीक है, वैसे एलिमेंट्स को जो है हम डी ब्लॉक के एलिमेंट्स कहते हैं। ठीक है, इनके ऑक्सीडेशन स्टेट हो या फिर नॉर्मल जो एलिमेंट्री स्टेट होगा उसमें जो डी ऑर्बिटल्स होंगे वो पूर्ण रूप से भरे नहीं होंगे, पार्सली भरे होंगे, उन एलिमेंट्स को डी ब्लॉक के एलिमेंट्स कहा जाता है। बट ऑन द बेसिस ऑफ दिस डेफिनेशन जिंक कैडमियम एंड मरकरी आर नॉट कंसिडर्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स बिकॉज इन बोथ द डी ऑर्बिटल्स आर कंप्लीटली फील्ड। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स का बेसिक डेफिनेशन ये है। तो इस डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो इस डेफिनेशन के आधार पर जो हमारा जिंक कैडमियम और मरकरी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जिंक कैडमियम मरकरी होगा, ये जो है ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं कहलाएंगे, क्योंकि इनका अगर हम आउटर मोस्ट सेल की बात करें तो ये जो है कंप्लीटली फील्ड होते हैं, इनका जो डी ऑर्बिटल होगा वो कंप्लीटली फील्ड होगा। और हमारा डेफिनेशन में कहा जा रहा है कि ऐसे ऑर्बिटल, ऐसे एलिमेंट्स जिनके डी ऑर्बिटल पार्सली फील्ड होते हैं वही जो है डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं या ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाते हैं। तो इस परिभाषा के आधार पर जिंक कैडमियम और मरकरी जो है ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स कंसीडर नहीं होंगे बिकॉज इन बोथ द डी ऑर्बिटल्स आर कंप्लीटली फेल्ड। ठीक है, तो ये पॉइंट्स हमने क्यों डिस्कस किया, क्योंकि कभी कभी टू मार्क्स में पूछा जाता है शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस में कि जिंक कैडमियम मरकरी ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स कंसिडर क्यों नहीं होते हैं। तो इसका मेन कारण है क्योंकि इनके डी ऑर्बिटल कंप्लीटली फील्ड होते हैं एंड ट्रांजिशन एलिमेंट्स का मेन प्रॉपर्टी है कि उनके डी ऑर्बिटल कंप्लीटली फील्ड नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो आई होप आपको ये बेसिक समझ में आ गया होगा। तो ये है डी ब्लॉक एलिमेंट्स या ट्रांजिशन एलिमेंट्स का बेसिक डेफिनेशन एंड बेसिक इसके जो है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको ध्यान रखने हैं, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस और इसका जो है ये जिंक कैडमियम एंड मरकरी वाला ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, आपके थ्योरी एग्जाम्स के लिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में भी आपको पूछे जा सकते हैं। अब हम सेकंड जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे दैट इज डी ब्लॉक एलिमेंट सीरीज। ठीक है, सीरीज, ठीक है, इसको मेनली जो है चार सीरीज में डिवाइड किया गया है। इसके पीरियोडिक टेबल के में भी आप देख सकते हैं कि ये क्या है, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ, सिक्स, सेवन पीरियड। ठीक है, चार पीरियड है जो है ये पूरा डी ब्लॉक एलिमेंट्स कंप्लीट होता है। तो देयर आर फोर सीरीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स, 3D, 4D, 5D एंड 6D सीरीज। अब इनको नामकरण कैसे किया गया है, 3D, 4D, 5D, 6D सीरीज, डिपेंडिंग ऑन वेदर द डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन्स एंटर 3D, 4D, 5D या 6D ऑर्बिटल। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो 3D, 4D, 5D, 6D किस ऑर्बिटल्स में एंटर कर रहे हैं उस आधार पर जो है डी ब्लॉक एलिमेंट्स को इस चार सीरीज में डिवाइड किया गया है। पहला है फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज इन्वॉल्विंग फिलिंग द इलेक्ट्रॉन्स इन 3D ऑर्बिटल्स। तो इस सीरीज के अंतर्गत जितने भी एलिमेंट्स आएंगे उनके इलेक्ट्रॉन 3D ऑर्बिटल्स में जो है भरेंगे। ठीक है, 3D ऑर्बिटल्स में जाएंगे। सो इन दिस सीरीज एलिमेंट्स फ्रॉम 21 to 30, ठीक है, 21 से लेकर 30 तक के एटॉमिक नंबर वाले जो हमारे एलिमेंट्स हैं, जैसे स्कैंडियम से लेकर जिंक तक। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं स्कैंडियम से लेकर जिंक तक के जो एलिमेंट्स होते हैं इनको 3D श्रेणी के एलिमेंट्स या फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट्स कहा जाता है। आगे आने वाले वीडियोस में हम इस फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के जितने भी एलिमेंट्स हैं इनको ही हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इस यूनिट के अंतर्गत। आगे आने वाले यूनिट में फिर हम सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट्स के बारे में समझेंगे। सो आगे हम वीडियोस में ये जितने भी एलिमेंट्स हैं हमारे इनके बारे में, इनका बेसिक प्रॉपर्टीज, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस, इनका जो प्रॉपर्टीज है इसको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए इस यूनिट के लिए केमिस्ट्री ऑफ ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स में हम फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे, इसी का ही आपको कंप्लीट नोट्स आपको मिलेगा। ठीक है, सो सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज आता है इन दिस सीरीज ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम इट्रियम हैविंग एटॉमिक नंबर 39 टू कैडमियम एटॉमिक नंबर 48 हियर फिलिंग द इलेक्ट्रॉन इन 4D ऑर्बिटल। ठीक है, तो इसके जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो 4D ऑर्बिटल्स में भरेंगे और इसके इट्रियम से लेकर जो हमारा कैडमियम है, ठीक है, इट्रियम से लेकर कैडमियम है, ये सभी एलिमेंट्स जो होंगे ये 4D श्रेणी के जो है एलिमेंट्स कहलाते हैं। थर्ड ट्रांजिशन सीरीज इन्वॉल्व फिलिंग ऑफ 5D ऑर्बिटल्स एलिमेंट्स फ्रॉम लेंथेनम एंड हैफनियम टू मरकरी। ठीक है, अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपको क्या समझना है, लेंथेनम एंड हैफनियम। ठीक है, यहाँ लेंथेनम के बाद जो है जितने भी एलिमेंट्स हैं वो लेंथेनाइट सीरीज के अंतर्गत आते हैं, लेकिन ये जो है हमारे ट्रांजिशन सीरीज नहीं है, सिर्फ लेंथेनम, उसके बाद जो है हमारा लेंथेनम एंड उसके बाद हमारा हैफनियम, उसके बाद फिर यहां से लेकर पूरा मरकरी तक जो है ये 5D श्रेणी के जो है 5D श्रेणी
के एलिमेंट्स कहलाते हैं, ठीक है। थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में भी सेम है, इनके जो ऑर्बिटल, इनके जो इलेक्ट्रॉन होंगे 6d ऑर्बिटल में भरेंगे। एंड एलिमेंट्स फ्रॉम एक्टिनियम टू रदरफोर्डियम, ठीक है, एक्टिनियम से लेकर रदरफोर्डियम, इसके बीच एक्टिनियम के बाद दो एक्टिनाइट सीरीज के जो एलिमेंट्स हैं ये नहीं आएंगे ट्रांजिशन एलिमेंट्स में, एक्टिनियम से लेकर रदरफोर्डियम, उसके बाद फिर सीधा अनबियम, ठीक है, अनबियम तक ये पूरे जो है 112 तक जो एलिमेंट्स हैं ये हमारे कहलाते हैं 6d श्रेणी के एलिमेंट्स, ठीक है। तो ये हो गया 4d ब्लॉक एलिमेंट्स की सीरीज जो बांटा गया है। कभी कभी 2 और 3 मार्क्स में इसको भी पूछ लिया जाता है कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स की सीरीज को समझाइए, तो आप ये 4 सीरीज और ये आपको इतना पता होना चाहिए कि कौन से एलिमेंट से लेकर कहां तक के कौन से सीरीज में है, कौन से जो है 3d है, 4d है, 5d, 6d कौन से ऑर्बिटल में इनके इलेक्ट्रॉन्स भर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको बेसिक ध्यान रहेगा, तो आप इसको इजीली आप अपने से भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन वाला वीडियो, हमने केमिस्ट्री ऑफ ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स यूनिट जो है हमने स्टार्ट किया है। अगले वीडियो में हम जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट्स हैं उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस के बारे में समझेंगे, कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा एंड ये नोट्स आपके एग्जाम प्रिपरेशन के लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको कंप्लीट यूनिट का रिटर्न नोट चाहिए तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF स्टोर का लिंक मिलेगा, वहां से आप चेक कर सकते हैं एंड नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं, जो डेफिनेटली आपके एग्जाम प्रिपरेशन के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। सो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं एंड नोट्स वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। एंड आगे की वीडियोस देखने के लिए प्लीज चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग।